हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपके प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रहा होगा. फ्रेंड्स, बेसिकली आज के वीडियो में मैं ये देखिए, मैं कैलकुलेशन स्पीड चेक करने वाला हूँ अपना, कि मेरा कैलकुलेशन का स्पीड क्या है. यहाँ देख सकते हैं आप कि टाइम 3 मिनट है और क्वेश्चन 15 है. ठीक है, तो देखते हैं हम कर पाते हैं कि नहीं इतने देर में. देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, मेरे पास कोई कैलकुलेटर मशीन नहीं है. ठीक है, जो भी करूँगा मैं मैनुअली हाथ से करूँगा. मेरा नोटबुक है और मेरा पेन है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 6 5 3 6 5 3 6 6 6 7 7 900 900 900. ओके, 1000 पहले आ जाएगा, 1000 पहले आ जाएगा. और फिर उसके 5 5 2 7 7 4 11 110 5 3 8 8 5 13 3 2 2023. ओके, 365 से माइनस करेंगे, 13 5 जाएगा 8, 11 में 6 जाएगा 5, और फिर 6 1 6 5 8 1 6 5 8. ओके, सेकंड क्वेश्चन 62. 62 का स्क्वायर क्या होगा? 62 का स्क्वायर यानी 144, इससे 37 ज़्यादा है. ओके, 44 होगा इसका 1. 25 से कितना जाता है? 25 से 37, 37 से 38, 3 8 4 होगा. ओके, 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर 16 का होता है 256. ओके, 256 होता है 256, और 84 में 16 जाएगा, 16 में 6 गया 8, आपने से किया 6 68 68 6 68 7025 7025. 5 4 9 4 2 6 8 7 3 11 11 कहाँ गया यार, ये रहा आपका 10,900. ओके, और फिर 3900 किसका स्क्वायर है? ओके, किसका स्क्वायर रूट है? तो इसका नियर बाई होता है 60 का होता है 3600. ओके, तो उसके बीच में होना चाहिए कहीं, लाइज करना चाहिए, तो 62.8 मुझे लग रहा है, देखते हैं. ओके, 291 किसका, ये किसका स्क्वायर है? 2916 2916, ये 50 और 55 के बीच में, यानी कि डेफिनेटली कह सकते हैं 54 का होगा. और 4356 किसका है? 4356 ये है 7749 होता है, यानी 70 का होता है 49 और 65 का होता है 42, यानी कि ये 65 और 70 के बीच में है. लास्ट में 6 आ रहा है कि डेफिनेटली हो सकता है ये आपका 66 का होगा. तो 6 4 6 5 11 12. ओके, तो इसको हम मुझे इंटू करना है, 54 और 66 को इंटू करना है, तो आपका हो जाएगा 6 6 24 4 6 5 30 32, यानी 3200 ज़्यादा जा रहा है. ओके, तो 3564 होगा. ठीक है, 136 का स्क्वायर बताना मुझे, 136 का स्क्वायर बताना. ओके, 13600 पहले कर देते हैं, फिर 3 से इंटू कर देंगे, 3 3 9 2 3 4 हो जाएगा, और आपका हो जाएगा फिर 6 से इंटू कर देंगे, 6 6 36 6 7 8, लास्ट में 6 आ रहा है, देखते क्या होगा. 18496. ओके, 1868 किसका क्यूब होगा? 1800 किसके बीच में है? 4 4 16 16 और 45 45 कितना, 5 6 20, यानी कि ये करीब है 44 का, नहीं 44 का तो नहीं होगा, कंफर्म है 43.2 समथिंग होगा. 215 215 का स्क्वायर बताना, 215 का स्क्वायर बताना है, 215. तो पहले 200 से इंटू कर देते हैं, तो 430 00, फिर 15 से 22 32 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
है 4913, 4913 होता है आपका 17 का क्यूब, और 529 होता है आपका 23 का क्यूब, यानी हो जाएगा 40 आंसर। और 6 3 6 3 2 1 6 3 2 1 2 5, इसको पहले 100 से इंटू कर देते हैं, 63 63 200 हो जाएगा, फिर 25 से करना पड़ेगा, 25 2 50 टाइप कह लीजिए, 75 5 80 होता है, 08 पर 150 158 होगा, 0 0 2 5 3 5 4 9 6 1 7 यानी 7900 आएगा। तो ये 1 2 5 4 4, ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है आपका ए 1 2 5 4 4, ये समथिंग स्क्वायर आपका एक 12500 का होता है, 100 का होता है 1000, ओके 12500 इसको इंटू करना है मुझे, ठीक है, तो इंटू करना है तो मतलब 100 ले लेते हैं, नहीं नेक्स्ट करते हैं ना, ठीक है। और ये 4 6 6 5 6 किसका क्यूब है, 4 6 5 5 किसका क्यूब है, ये आपका है 4 6 8000 होता है आपका इसका, 6 4 0 9 6 4 0 9 6 होता है 16 क्यूब, 17 का होता है आपका 4 4 9 7 7, तो ये आपका 47 करीब है, सॉरी 17 क्यूब के करीब है, और 4 0 9 से आपका आपका ये 64 का, यानी कि 7 4 11 64 81 के करीब ऐसा रहेगा, यानी 85 करते हैं, ओके 2 3 6 5 2 3 6 5 2 2 4 2 2 4 यानी कि 4000 ऐसे हो गया, 4000 ऐसे हो गया, और 3 3 1 4 4 3 7 यानी कि 700 ऐसे हो गया, और 6 4 10 10 और 16 यानी कि हो जाएगा आपका 160 160, और 5 5 10 15
पाँच, छः पाँच, 11, 7, 8, 1, 9, और एक 4915 समथिंग इसका आंसर है, सॉरी 4915 नहीं होगा, 6, 7 होगा, 7, 1, 4875 समथिंग है, हाँ ये है। ओके 136 और 225 को इंटू मुझे करना है, बट 200 कर देंगे तो 272 17200 हो जाएगा, और फिर 25 25 50 का 0 0 15 क्या है जी, 25 75 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
तो टाइम ओवर हो चुका है, देखते हैं क्या रिजल्ट होगा। 14 ही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाया फ्रेंड, देखते हैं क्या रिजल्ट रहा। देखते हैं क्या रिजल्ट रहा मेरा। तो मैंने देख सकते हैं कि मैं जो हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन करके आया, यू पास द क्विज। ओके, मैंने क्या किया है, मेरा द एवरेज स्कोर होता है 35%, मेरा स्कोर 60% है। यानी कि अगर मैंने 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आई थिंक 8-9 मेरा सही हो गया। तो मुझे और इस पर मेहनत करना है, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो, मेरा पहला क्वेश्चन सही था, दूसरा भी सही था, तीसरा गलत था, मुझे डाउट था, चौथा सही है, पांचवा सही है, छठवां सही है, सातवां भी सही है, आठवां भी सही है, नौवां भी सही है, दसवां मेरा गलत था, यहाँ भी मुझे डाउट था थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेशन करने के चक्कर में, और ये भी सही है, ये भी सही। बेसिकली फ्रेंड मैं देख सकते हो आप, 4 क्वेश्चन गलत है और सब सही है, यानी कि 10 क्वेश्चन मैंने सही किया है। तो ये चैलेंज आपको भी मैं देता हूँ, आप भी ये चैलेंज जरूर करिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, और फ्रेंड ये आप क्यूज़ जरूर करिएगा, इसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए फ्रेंड्स, चलता हूँ, बाय।